सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, शो बॉय शॉमी बॉय विद द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने फेस का जो टैन है, जैसे और हमारे फेस में बहुत सारे एक्ने हैं, और सबसे मेन बात मैं आपको बताऊँ चेहरा ख्याल कैसे नहीं रखा जाता है, वो होता है कि आप जब ड्राइविंग कर रहे हो धूप में, ऊपर से आपने कुछ मास्क वेयर किया हैंकी से अपना मुंह जो ढका नहीं होता, वो जो हो जाता है सनबर्न हो जाता है। तो सनबर्न होने के बाद में गाइस, वो सच्ची बता रहा हूँ, वो जो टैन होता है ना, वो क्या स्किन का कलर कुछ और होगा, बॉडी के अंदर का आपके चेहरे का कलर दोनों डिफरेंट लगेगा। आप अगर आप देखोगे तो दोनों डिफरेंट मिलेगा। गाइस मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में आप कैसे कर सकते हो। और एक अच्छी चीज क्या पता है कि अभी का जो टाइम चालू है 21 दिन का लॉकडाउन चालू है, तो 21 दिन के लॉकडाउन में आप किस तरह से अपने फेस को जो पहले ऐसा जैसे हमारे जो अंदर का स्किन होता है बॉडी के कानों के पीछे जो स्किन होता है उसको आप कैसे वापस नेचुरली आप ला पाओ, तो आई होप आप भी कर सकते हो हफ्ते में दो बार। तो गाइस दो हफ्ते में दो बार करना ये चीज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको अपना जो फेस है वो फेस जैसे तो जैसे कि अपना जो फेस है वो फेस को आपको दूध से आपको फेस वॉश करना है। जैसे कि फेस वॉश से मैं मतलब ये है कि एकदम मुंह धोना नहीं है, तो आपको जैसे कि क्लीन करना है आपको फेस दूध से। और दूध भी कैसा होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, रॉ मिल्क होना चाहिए, जिसको बॉइल किया हुआ नहीं होना चाहिए, उससे आपके फेस को क्लीन करना है पूरा फेस से। और आपको दूध तो बताइए क्यों यूज होता है, क्योंकि इससे अच्छा हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो दूध यूज करते पहले क्लीन करते हैं फेस को, मैं आपको करके बताता हूँ किस तरह का होना। सबसे पहला दूध से अपना फेस क्लीन करना है, तो छोटा मैं क्लीन करता हूँ। फॉर दैट गाइस यू शुड हैव दिस बैंड एंड यू शुड फर्स्ट वेयर, सो मेक श्योर यू हैव टू अप्लाई लाइक दैट। सो एज यू कैन सी गाइस हाउ आई अप्लाइड टू माय हेड। सो गाइस लेट्स स्टार्ट टू द मेन पॉइंट, व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट। सो फर्स्ट वी हैव टू डू क्लीन ऑल ऑफ साइड माय फेस फ्रॉम मिल्क। फर्स्ट आई टेक दिस मिल्क एंड दिस कॉटन, सो दिस इज कॉटन एंड दिस इज अ मिल्क। तो गाइस आई होप यहाँ तक आपने कर लिया होगा तो आपको रहने देना इतने में, ये होने के बाद में आपको रख देना 15 मिनट के, 15 मिनट के बाद सीधा मिलते हैं हम लोग। ओके सो गाइस अभी मैंने यहाँ पे मेरा 15 मिनट हो चुका है। सो गाइस आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई दिस वन, आई शो यू। पर गाइस मैं उसको बता दूँ, ये जो अप्लाई करोगे दो हफ्ते में दो बार करना है। सो दिस वन यू शुड अप्लाई एट होम। एंड वॉट इज दिस एक्चुअली, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और थ्री आइटम्स विच इज हल्दी, बेसन, रोज वाटर एंड हनी। ये चार जिनका कॉम्बिनेशन है गाइस, इसको लगाना है आपको, बनाना है किस तरह से, पहले आपको बेसन फिर हल्दी इसको मिक्स करना है, उसके ऊपर आपको हनी डालना है, ऊपर आपको रोज वाटर डालना है, इसको कॉम्बिनेशन करके इस तरह से पेस्ट बन जाएगा गाइस। ये बना लिया मैंने, आप ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करते, उसके फटाफट बताता हूँ। बेसिकली जो ये दूध मैंने इसको अपने चेहरे पे इसको स्क्रब किया है, तो इसके ऊपर ही इसको धोना नहीं है, इसके ऊपर ही लगाना है, ठीक है। तो इसके ऊपर लगा देता हूँ फटाफट में। और गाइस आपको पता होगा हल्दी का काम क्या होता है, हल्दी का काम बेसिकली हल्दी और बेसन है ना, जो आपके स्किन की फेयरनेस के लिए काम आता है, आपकी जो स्किन जो टैन हो गई धूप में, आपकी जो कलर होती है ना वो आपके चेहरे पे लाके आएगा। और गाइस ऐसा सोचना नहीं है, होम रेमेडी है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ओके सो गाइस अभी मेरा कवर हो चुका है ये पूरा फेस। तो गाइस अभी मेरा कवर हो चुका है, तो मैं तब तक स्क्रब करूँ तब तक एकदम ये सूख ना जाए अच्छे से। गाइस आप मतलब कितना 20 मिनट 15 मिनट रखना है, लेकिन आपको देखना आपके कितना थिकनेस है, तो उसके हिसाब से आपको रखना है। तो मैं यूजली 15 से 20 मिनट रखता हूँ, तो 15 से 20 मिनट मिलता है, उसके बाद मैं आपको इसको धो के इसका ग्लो दिखाता हूँ, तो 15 से 20 मिनट बाद मिलता हूँ सीधा। ओके सो गाइस अभी आप देख सकते हो, जैसे कि मैं अपना शर्ट चेंज कर दिया, क्योंकि वो उसमें वो गिल्ला हो चुका था, तो मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद में आप देख सकते हो ऐसे गाइस, आपको शायद इसमें दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने बाल भी अपने कुछ किए नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट ये सब फेस वॉश करके मैं डायरेक्ट आ गया, तो मैं आपको दिखा सको परफेक्ट रिजल्ट कितना, पर मेरे को लगता नहीं आपको दिख रहा होगा इस पर। ये सच बता रहा हूँ, एकदम बोलते ना एकदम फ्रेशनेस और वाइटनेस थोड़ा सा ऐसा आता है, टैन जो भी है इसको हफ्ते में दो बार करना है, इसको तीन चार राउंड में तीन चार बार आप करो, आपको देखो शूट होगा डेफिनेटली है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद ना ये कि ये चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ, ये खुद भी मैं करता हूँ। तो आज का वीडियो यही पे स्टॉप करके, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अगर अच्छा लगा होगा तो, नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर दो। वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।